वेलकम टू माय न्यू व्लॉगिंग चैनल। मैं नीतीश कुमार सोच रहा था कि अपना न्यू व्लॉगिंग चैनल शुरू करूंगा, तो मैं अपना पहला वीडियो तारामती पे जाकर के बनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वो पहाड़ जो है ना, उसके ऊपर जाकर के उधर से वो पूरा मेडोज़ विला दिखता है। वो जो विला है ना वहाँ पे, वो पूरा मेडोज़ विला। और ये है मीरामती। अभी हम जाएंगे तारामती पे, किसी दिन मीरामती पे भी जाएंगे, लेकिन आज नहीं। तारामती ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से, मतलब 2 किलोमीटर के दायरे में ही है। 2 किलोमीटर ही दूर है थोड़ा। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही घूमने के लिए शाम में चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ करके गप्पे मारते रहते हैं। अभी शाम का टाइम है, पूरा रश है, सभी कोई ऑफिस से छूट करके आ रहे हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत सही लग रहा है, लेकिन हमारी किस्मत खराब है, हम दोनों सिंगल हैं। एंट्री सबके वीडियो बना। और अभी हम तारामती गेट पे एंट्री मारने वाले हैं, और वो ऊपर तारामती है। और ये तारामती का छोटा सा गार्डन है। और वो कपल के लिए प्लेस है, फोटोग्राफी के लिए बड़ा सा है, हम लोग ही इधर घूमते रहते हैं। और ये सत्या, ये क्या है? ये है तारामती का छोटा सा रेस्टोरेंट, और उसके बगल में ही बार है, थोड़ा लेफ्ट में ही येरा बार। यहाँ पे बार है, और वो ऊपर में जो है तारामती का स्टूडियो है। सत्या, वहाँ पे प्रोग्राम होता रहता है ना? एक बार हमारे स्कूल का भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, एनुअल डे का सेलिब्रेशन। एनुअल डे सेलिब्रेशन, बहुत सही प्लेस है वैसे। ये ऊपर जाने का रास्ता है तारामती में, शायद गेट बंद है। मस्त व्यू आता है यहाँ से भी। यहाँ पे ये कैंटीन्स है ना शायद? हाँ, ये कैंटीन्स है, और ये ऑडिटोरियम बैठने के लिए, ये स्टेज। ऊपर से एक बार देखते हैं कैसा लगता है। और ये तारामती के पीछे इधर पे होटल्स है। यहाँ पे क्या होता है सत्या, मतलब जो भी बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए जगह? अच्छा, अगर कोई आते हैं तो पार्टी वार्टी जो करते हैं उनके भी रहने के लिए। सही प्लेस है भाई। और पीछे ही तारामती के वो रहा हमारा आईटी सेंटर का छोटा सा रहने का कैंट, वो जो येलो येलो दिख रहा है ना, यहाँ पे घर वगैरह है। ये आर्मी और बच्चों के झगड़े और गालियाँ सुनाई देते होंगे। अबे मून भी दिख रहा है भाई। और ये जो पीछे दिख रहा है ना वो बिल्डिंग्स वहाँ पे, वो सन सिटी है, किसी दिन वहाँ पर भी लेके जाएंगे। यहाँ बहुत काम फील होता है, और आप देख ही सकते हैं जैसे सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। चल सत्या, ऊपर चलते हैं अभी। वैसे दरवाज़ा बंद है, लेकिन पीछे का रास्ता हमें मालूम है, तो पीछे के रास्ते से चोरी चोरी छुपके छुपके हम ऊपर जा सकते हैं। कृपया आप सतर्क रहें, यहाँ के गार्ड बहुत मारते हैं। वैसे आज तक पिटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाकी को मार खाते थे, एक दर्द हमें भी फील होता है। सही बोल, शायद आज बंद है तारामती। वो देखिए वहाँ पे कपल्स आ गए हैं बैठने के लिए। कपल्स नहीं, पेरेंट्स है। हाँ पेरेंट्स है, सॉरी पेरेंट्स है वो तो।
मैं तो इस गेट के अंदर आ गया इस गैप से, अभी देखते हैं सत्या आ पाता है कि नहीं। अरे वाह, सत्या भी आई है। और ये हम तारामती के अंदर वाले गार्डन में आ गए हैं। यहाँ पे फंक्शंस के लिए बुक किया जाता है। बोल रहे हैं अभी गार्ड्स की, अभी टाइम हो गया और अभी इतना सीढ़ी बाकी है। और वो है मीरामती। कल हम वहाँ पे गए थे मगर कल टाइम अच्छा नहीं था, तो सोचे आज पहले तारामती का ही। 2 कितना सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स दिख रहे हैं यहाँ से, लेकिन यही बिल्डिंग्स आजकल इन मॉन्यूमेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गई है। ये जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं इसीलिए। यहाँ आप चाहे तो वॉक के लिए भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह है वॉकिंग के लिए भी, अराउंड 50-70 मीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ पे। आप चाहे तो ये जगह अच्छी फोटोज फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं नीतीश दोस्त कितना खुश है यहाँ के, क्योंकि जगह बहुत पीसफुल है, बहुत शांति मिलती है यहाँ। और ये रहे जो सामने आपको व्हाइट कलर के घर दिख रहे हैं, ये है वेसला मेडोज। यहाँ अराउंड 500 घर है और सामने ही हमारे मेन रोड है। वैसे हमें यहाँ आना तो नहीं चाहिए था इस टाइम पे, क्योंकि ये बंद होने का टाइम है इसका। गार्ड से चुप चुप के आए हैं। ये पीछे का रास्ता है तारामती का, जिसका ओपनिंग सबको नहीं पता है सही से, लेकिन हम पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है थोड़ा, तो शायद से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये रास्ता जो दिख रहा है ना, ये पूरा पेड़ के नीचे से जाता है उधर, और वो जो वहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा है ना अंदर में, ये छोटा सा जो दिख रहा है, हाँ उसके अंदर जा कर के लेफ्ट साइड मुड़ना पड़ता है हमें यहाँ से। और ये रहा तारामती। चल सत्य सत्य इसके अंदर चलते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं इसके अंदर में क्या, एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या। हाँ अंदर क्या, एक बार एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भैया लोग फोटो शूट कर रहे हैं अपने वेडिंग का, न्यू कपल समझ ही सकते हैं फोटो का कितना क्रेज होता है। ये देखिए, इससे प्यारा नज़ारा आपको प्रकृति का नहीं देखने को मिलेगा। वैसे हमें अभी उतना एक्सपीरियंस है नहीं, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉगिंग है, तो देखते धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे हमारे इसी वीडियोस को देख देख करके। तो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बहुत खुशी मिलेगी हमें भी और इंस्पायर भी होंगे ऐसी ब्लॉगिंग वीडियोज डालने के लिए। वो देखिए, वो जो हम ऑडिटोरियम दिखा रहे हैं ना ऐसा, वो वहाँ पर पीछे की तरफ है। सत्य एक बार चलते हैं वहाँ पे, स्विमिंग पूल है पीछे की तरफ बोलते हैं, तो एक बार स्विमिंग पूल भी। और ये तारामती कुछ कितने एकड़ में फैला होगा सत्य, कुछ ख्याल से तेरे? पता नहीं, कहाँ नहीं जा सकता, अंदर अंदर जाते हैं तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हम जहाँ तक आपको लेके गए थे वो थी ये जगह जो आप घर देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तक ये और 200 मीटर तक खींच गया है अंदर से, तो हम कुछ नहीं कह सकते। और इसके पीछे
आप देख ही सकते हैं इन्होंने कितनी हरियाली मेंटेन कर रखी है। और ये जो पीछे की तरफ देख रहे हैं वो झाड़ी, वो झाड़ी के पीछे बीच में जो है मूसी रिवर बहता है। एक बार कोशिश करते हैं हम लोग नीचे चल के देखने का, अगर क्या पता गार्ड अंकल ने नहीं रोके तो हम मेरे को नीचे का भी दिखा सकेंगे। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाने का, बने रहिए हमारे साथ। एक खुशी की बात है भाइयों और बहनों, अभी तारामती का लाइटिंग ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं इधर हमारे सत्या भाई खड़े हैं यहाँ पे, बहुत सही दिखता है। अभी यहाँ पे कलर चेंज भी होता है धीरे धीरे, ये कलर चेंज हो रहा है ना, ग्रीन हो गया, बहुत सही दिखता है ये तारामती। रात जैसे जैसे अंधेरा होते जाता है ना, वैसे वैसे इसके कलर्स भी सही मस्त दिखते हैं। लाइटनिंग स्टोन हो गए थे और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं पीछे की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए। और आप उधर देख सकते हैं कि शायद आज कुछ यहाँ पे फंक्शन है, तो इसकी वजह से आज डेकोरेशन भी हुआ है तारामती का। एक मिनट में पीछे की तरफ दिखाता हूँ। और अभी नीचे जा रहे हैं, अंधेरा जैसा हो गया और आप मून देख सकते हैं ऊपर चमक रहा है अपनी जगह पर। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, उधर ही रिसेप्शन जहाँ पर है, बहुत खतरनाक तरीके से हम नीचे जा रहे हैं गार्ड से हमें कहीं देख ना ले, इधर छुपे हुए हैं। सत्य इधर से कोई रास्ता नहीं है क्या, देखते हैं एक बार इधर पीछे की तरफ से, एक बार देख लेते हैं अगर पीछे से रास्ता हुआ तो ठीक है, वरना फिर बाहर से ही जाना पड़ेगा। और यहाँ से हम बाहर निकलने का, अरे ये रास्ता तो पता ही नहीं था, वरना हम लोग उसी तरफ से आ जाते थे। एक बार इधर देखते हैं क्या हो रहा है, वहाँ पर शायद कोई बैठा हुआ है, एक बार उनसे पूछते अगर अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिए तो अच्छी बात है। और ये रहा तारामती का स्विमिंग पूल। हम लोग वैसे तो आज तक कभी पीछे की तरफ आए नहीं है, शादी है जो भी है यही होने वाली है रिसेप्शन। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सजाया गया है, कैमरा क्वालिटी वैसे अच्छी है इसलिए थोड़ा क्लियर दिख रहा है मेरे फ़ोन में इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आती है, वैसे ये वीडियो मैं सत्या भाई के फ़ोन में बना रहा हूँ। तो चलिए एक बार पास से देख लेते हैं, ये स्विमिंग पूल है तारामती का और यहाँ पे डाइनिंग अरेंजमेंट हो रखा है, लाइटिंग्स लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी तैयारी चली रही है, लाइटिंग्स लगा रहे हैं और यहाँ आई नहीं है वरना यहीं रात गुजार सत्या बोल रहे खाने की खुशबू आ नहीं रही है वरना यहीं रात गुजारते हम लोग। अब बस तारामती का टूर यहीं ख़त्म हुआ। ये रहा तारामती का गार्डन, और ये रहा मेडोज विलास। वैसे तो अंदर जाना अलाउड नहीं है हमें, मगर फिर भी एंट्रेंस तक तो जा ही सकते हैं। लेकिन जब आर्मी ड्रेस में आते हैं तो ये लोग भी हमें जय हिंद बोलते हैं, आर्मी पीपल को देख कर के ये लोग जय हिंद बोलते हैं। और बस अब यहाँ पे हर एक एंट्रेंस पे और हर एक टर्निंग पॉइंट पे एक एक ये फाउंटेन्स हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। और अंदर और पॉश तरीके से फाउंटेन्स बनाए गए हैं, मगर अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद।